Oh, you see this guy? See this guy? नंबर वन बुलशिट गाइस, यो वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो। और आज मैं आप सभी को एंड्रॉइड को कुछ ऐसे खतरनाक धांसू ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप भी बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे, बहुत ज्यादा हैरत अंगेज हो जाएंगे, कुछ ज्यादा ही नहीं होगा। बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक नहीं करोगे तभी भी चलेगा, मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। हाँ भाई, मैं कभी कभी मेहनत भी कर लेता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो या मत करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी वीडियो को बनाने में। हक दिया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक शायरी हो जाए। तो आते हैं बड़ी दूर से, खाते हैं सूजी, गौर फरमाइएगा। आते हैं बड़ी दूर से, खाते हैं सूजी, हिलाते हैं जू। आज शायरी नहीं, आज सीधा टॉपिक पे चलते हैं। और आज मैं आप सभी को एंड्रॉइड के कुछ ऐसे खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप भी कहोगे वाओ, वेरी डेंजरस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इस ट्रिक को आप किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस पर किसी भी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तो चलो रेडी हो जाओ इस ट्रिक को जानने के लिए। तो हमारा सबसे पहला ट्रिक है कि आप अपने फ़ोन के किसी भी फोल्डर को जो इनक्रिप्ट कर सकते हो फॉर टेम्परेरी, यानी थोड़ी देर के लिए कर सकते हो। तो कैसे जानना है तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बस आपको किसी भी फाइल को लेना है और उसका एक्सटेंशन चेंज करना, जैसे कि उसके आगे .abc या फिर .xyz आप लगा सकते हो, जिससे वो थोड़ी देर के लिए इनक्रिप्ट हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप उसको और उस फाइल को अनइनक्रिप्ट करने के लिए सिंपली आपको उसका सही एक्सटेंशन जानना है, यानी आपको सीधा उसको रीनेम कर देना है जैसा पहले था, यानी आपको सीधा उसका .abc.xyz जो भी लगाया था आपने सिंपली उसको रीनेम करके हटा देना है। बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप उसको एक्सेस कर पाओगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको करके। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्रिक की ओर। इस ट्रिक में आप अपने फ्रेंड के साथ प्रैंक कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से। उसके लिए आपको सिंपली अपने फ्रेंड के फ़ोन को ले लेना है, उसमें आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में, उसके बाद चले जाना है आपको शो सरफेस अपडेट, इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है आपको। और इसे इनेबल करने के बाद उसके फ़ोन में जब भी वो रिफ्रेश करेगा या फिर स्क्रीन बदलेगा तो उसके फ़ोन में पिंक कलर की स्क्रीन दिखाई देगी, जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से उसको इरिटेट कर सकती है और उसे कभी पता नहीं लग पाएगा कैसे हो रहा है। और लेकिन बाद में उसको हटा देना, नहीं तो वो फ़ोन भी तोड़ सकता है बाद में, तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो उसको हटा देना बहुत ही ज़्यादा आसानी से, जैसे किया था वैसे हटा सकते हो। दोस्तों अब चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 पर। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रिक होने वाला है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की ओर। तो जो हमारा तीसरा ट्रिक है उसके लिए सिंपली आपको चल जाना है गूगल क्रोम में आने के बाद कुछ भी आपको सर्च कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। तो इसको आपको शेयर करने के लिए सीधा आप क्या कर सकते, इसको होल्डर में पेस्ट करके कॉपी करके शेयर कर देते थे कहीं भी या फिर कहीं भी टाइप कर देते थे। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, वैसा नहीं करना है, आपका बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक ट्रिक बताना है। सिंपली आपको ऐसे शेयर के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट कार्ड बनाना, जिससे आप कार्ड बना सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ऑसम लुक आएगा, बहुत ज़्यादा फॉन्ट डिज़ाइन आपको मिल जाता है, कोई भी ऐसे पिक कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर कॉपी कर सकते हो या फिर कहीं भी शेयर कर सकते हो, जीमेल पे भेज सकते हो, मैसेज कर सकते हो या फिर कहीं भी कुछ भी कर सकते हो बहुत ज़्यादा आसानी से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने जो है चौथे ट्रिक की ओर। तो चौथा ट्रिक भी हमारे उसी में है। तो आपको क्या करना है, चौथा ट्रिक आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गूगल क्रोम से इमेज डाउनलोड करके अब भेजते हैं, तो आप भी वैसे ही करते थे, मैं भी वैसे ही करता हूँ, लेकिन एक नई ट्रिक आ चुकी है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक आ चुकी है। आपको सिंपली क्या करना है, आप कहीं भी भेजते थे मैसेजिंग ग्रुप में तो आप क्या करते थे, सिंपल डाउनलोड करके उसके बाद इस्तेमाल करते, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सिंपली आपको होल्डर प्रेस करके कॉपी इमेज पर क्लिक कर देना है, उससे इससे क्या होगा, इमेज कॉपी हो जाएगा, बिना डाउनलोड किए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसको बिना डाउनलोड किए इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली आपको व्हाट्सअप में आ जाना है, उसके बाद किसी को भी भेजना है तो सिंपली यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज का सेक्शन मिल जाएगा, इसको आपको क्लिक करना है, उसके बाद ऐसे आपको डायरेक्ट इस पर आप सेंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से आपका डेटा बचेगा, उसके बाद आपका जो स्टोरेज है वो भी खाली रहेगा जो जितना भी था, और बहुत ज़्यादा आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की ओर। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में भी मेरे ही फ़ोन की तरह एंड्रॉइड 12 का अपडेट नहीं आया है तो आप कैसे एंड्रॉइड 12 का मज़ा उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, तो सिंपली आपको प्ले स्टोर पर चल जाना है और आप सर्च करना है कंट्रोल सेंटर ऑफ एंड्रॉइड 12, और बहुत ज़्यादा आसानी से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बस कुछ परमिशन को अलाउ करना है, उसके बाद आप इसे जैसे ही बैक आएंगे आप नोटिफिकेशन को जैसे नीचे करेंगे उसके बाद आपको सारे कंट्रोल सेंटर मिल जाएंगे, आपके मोबाइल के UI के साथ मर्ज हो जाएगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी या फिर कोई भी लैग नहीं देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा आसानी से आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड्रॉइड 12 का पूरा मज़ा इसके साथ ही उठा सकते हैं। टाइप कर लो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी वीडियो बनाने में, 1.5 घंटे तक कम से कम मैंने जो ऑडियो रिकॉर्ड किया है, पता नहीं क्यों लेकिन आप सभी के लिए मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया 1.5 घंटे तक। तो प्लीज़ वीडियो को
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बात को समझो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वैसे लाइक कर देना बाद में, लेकिन अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं है इसलिए कर रहा हूँ, बाद में समझ जाना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठीक है।